अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइसेस एंड स्लाइसेस। आज की हमारी रेसिपी है इजी बनने वाली आलू बैंगन की रेसिपी। इस रेसिपी को आप चाहे गरम गरम पराठों के साथ नाश्ते में खाएं या फिर डिनर में चावल के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। मैंने लिया है 400 ग्राम बैंगन, मैंने लंबाई में इसे कट कर लिया है। मीडियम साइज प्याज मैंने इसको बारीक स्लाइस कर लिया है। 4 छोटे आलू हमने इसे मीडियम साइज में कट कर लिया है, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। बैंगन को मैंने 1 स्पून नमक में सोख करके रख लिया है, वरना ये काले पड़ जाएंगे। वही सेम मैंने यहाँ पर आलू के साथ भी किया है, नमक के साथ सोख किया है यहाँ पे। अब एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन में हम तेल गरम कर लेंगे। जैसे ही ये तेल गरम हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी प्याज। प्याज में मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। दो मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी आलू। मैं आलू पहले इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि अगर हम बैंगन के साथ ऐड करेंगे तो बैंगन गल जाएंगे और आलू नहीं गलेंगे, तो वो चीज़ बैलेंस करने के लिए मैं पहले आलू ऐड कर रही हूँ। प्याज और आलू को हमें एक साथ ही फ्राई करना है। हमारे आलू और प्याज फ्राई होते हैं, हम यहाँ पर हमारी मेथी की भाजी, फ्रेश मेथी और थोड़ी सी कोथमीर को चॉप कर लेते हैं। मेथी और हरा धनिया हमारा चॉप हो चुका है और यहाँ पर हमारे आलू और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इसमें ऐड कर दूंगी अब 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें डाल देंगे हम बैंगन। एक बार इसे ऊपर नीचे करके हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी के भाजी और हरा धनिया जो हमने चॉप कर रखा है। बैंगन और आलू को हमने मिक्स कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश मेथी और हरा धनिया। इस पॉइंट पर नमक चख ले और एडजस्ट कर ले। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर छोड़ देंगे। इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया है फिलहाल के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं, अगर हमें ज़रूरत लगी पानी की तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने गैस को स्विच ऑफ कर दिया था, हमने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इस रेसिपी को हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे ऐसे ही इजी पीजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।